अष्टम खंड मद्गु द्वारा ब्रह्म के चतुष्पाद का उपदेश। मद्गु तुझे चौथा पाद बताएगा, ऐसा कहकर अंश चला गया। दूसरे दिन उसने गवों को गुरुकुल की ओर हाँक दिया। वे सायंकाल में जहाँ एकत्र हुए वही अग्नि प्रज्वलित कर गायों को रोक संविधान कर अग्नि के पीछे पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया। हंस भी मुद्दुल तुझे चौथा पाद बताएगा, ऐसा कहकर चला गया। मुद्दुल जलचर पक्षी को कहते हैं, जल से संबंध होने के कारण वह प्राणी है। सह सो गुते इत्यादि वाक्य का तात्पर्य पूर्ववत है। मुद्गो ने उसके पास उत्तर कर कहा सत्यकाम, तब उसने उत्तर दिया भगवान मुद्गु बोला सौम्य मैं तुझे ब्रह्म का पाद बतलाऊं। सत्यकाम बोला भगवान मुझे बतलावे। तब वह उससे बोला प्राण कला है, चक्षु कला है, श्रोत्र कला है और मन कला है। सौम्य ये ब्रह्म का चतुष्कल पाद आयतनवान नाम वाला है। उस मुद्गुल यानी प्राण ने भी प्राण कला है। उस मुद्गुल यानी प्राणी ने भी प्राण कला है इत्यादि आयतनवान इस नाम वाला पाद है, ऐसा कहकर अपने से संबंध दर्शन का ही निरूपण किया। समस्त इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए हुए भोगों का आयतन मन ही है, वह जिस पाद में विद्यमान है वह पाद आयतनवान नाम वाला है। वह जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद की आयतनवान ऐसे गुण से युक्त उपासना करता है, वह इस लोक में आयतनवान होता है और आयतनवान लोकों को जीत लेता है। जो कोई कि इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद की आयतनवान ऐसे गुण से युक्त उपासना करता है, उस पाद की जो इस प्रकार उपासना करता है वह इस लोक में आयतनवान आश्रय वाला होता है तथा मरने पर आयतनवान आकाश युक्त लोकों को ही जीतता है। ये एतम्वम इत्यादि वाक्य का अर्थ पूर्ववत है। इति छंदोपनिषत् तृतीयाध्याय चतुर्थाध्याय अष्टम खंड भाष्यम संपूर्णम। नवम खंड सत्यकाम का आचार्य कुल में पहुंचकर आचार्य द्वारा पुनः उपदेश ग्रहण करना। इस प्रकार यह ब्रह्मवेत्ता होकर आचार्य कुल में पहुंचा, उसने आचार्य ने कहा सत्यकाम, तब उसने उत्तर दिया भगवान। आचार्य कुल में पहुंचा, उससे आचार्य ने सत्यकाम ऐसा कहा, तब उसने भगवान ऐसा उत्तर दिया। अरे सौम्य तो ब्रह्मवेत्ता सा भाषित हो रहा है, तुझे किसने उपदेश दिया, ऐसा आचार्य ने पूछा। तब उसने उत्तर दिया मनुष्यों से भिन्न देवताओं ने मुझे उपदेश दिया है। अब मेरी इच्छा के अनुसार आप पूज्यपाद ही मुझे विद्या का उपदेश करें। हे सौम्य तो ब्रह्मवेता सा भाषित हो रहा है, कृतार्थ ब्रह्मवेता ही प्रसेंद्रिय हास्ययुक्त मुख वाला और चिंता रहित हुआ करता है। इसी से आचार्य ने कहा कि तू ब्रह्मवेता सा प्रतीत होता है और कौनु इस प्रकार वितर्क करते हुए पूछा तुझे किसने उपदेश दिया है। उस सत्यकाम ने कहा मनुष्यों से अन्य देवताओं ने मुझे उपदेश दिया है। तात्पर्य है कि मनुष्य होने पर तो मुझे श्रीमान के शिष्यों को उपदेश करने का साहस ही कौन कर सकता है। अतः उसने यही प्रतिज्ञा की कि मुझे मनुष्यों से अन्य ने उपदेश किया है, अब मेरी इच्छा के अनुसार भगवान ही मुझे उपदेश करे, औरों के कहे हुए से मुझे क्या लेना है। अभिप्राय यह है कि मैं उसे कुछ भी नहीं समझता, यही नहीं मैं श्रीमान जैसे ऋषियों से सुना है कि आचार्य से ही जानी गई विद्या ही अतिशय साधुता को प्राप्त होती है। तब आचार्य ने उसे उसी विद्या का उपदेश किया, उसने कुछ भी न्यून नहीं हुआ, यथार्थ उसकी विद्या पूर्ण ही रही, क्योंकि इस विषय में भगवान श्रीमान के सदस्य ऋषियों से मेरा यही सुना हुआ है कि आचार्य से ये जानी गई विद्या ही अतिशय साधुता को प्राप्त होती है। अतः अब श्रीमान ही मुझे उपदेश करे, ऐसा कहे जाने पर आचार्य ने उसे देवताओं द्वारा कही हुई उसी विद्या का उपदेश किया। उसमें यथार्थ उस षोड़श कलाओं वाली विद्या में कुछ भी उसका उपदेश एक देश भी व्ययुक्त यानी विगत नहीं हुआ, यथार्थ उसकी विद्या पूर्ण ही रही। व्याय ये द्विरुक्त विद्या की समाप्ति के लिए है। इति छंदोपनिषत् चतुर्थाध्याय नवम खंडभाष्यम संपूर्णम।
दसम खंड उप कौशल के प्रति अग्नि द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश। पुनः अन्य प्रकार से ब्रह्म विद्या का निरूपण करना है इसलिए, तथा ब्रह्मवेता की गति और अग्नि विद्या भी बतलानी है इसलिए श्रुति आरंभ करती है। यह जो आख्यायिका है वह पूर्ववत श्रद्धा और तप का ब्रह्म विद्या में साधनत्व प्रदर्शित करने के लिए है। उपकोशल नाम से प्रसिद्ध कमल का पुत्र सत्यकाम जाबाल के यहाँ ब्रह्मचर्य ग्रहण करके रहता था। उसने 12 वर्ष तक उस आचार्य के अग्नियों की सेवा की, किंतु आचार्य ने अन्य ब्रह्मचारियों का तो समावर्तन संस्कार कर दिया, किंतु केवल इसी का नहीं किया। कमल के पुत्र कमलायन ने, जिसका नाम उपकोशल था, सत्यकाम जावाल के यहाँ ब्रह्मचर्य पूर्वक वास किया। तत्सह इसमें ह ऐतिहासिक के लिए है, इसने 12 वर्षों तक उस आचार्य के अग्नियों की परिचर्या सेवा की, किंतु उस आचार्य ने अन्य ब्रह्मचारियों का तो स्वाध्याय ग्रहण कराकर समावर्तन कर दिया, किंतु उस उपकोशल का ही समावर्तन नहीं किया। उस आचार्य से उसकी भार्या ने कहा, ये ब्रह्मचारी खूब तपस्या कर चुका है, इसने अच्छी तरह अग्नियों की सेवा की है, देखिए अग्निया आपकी निंदा न करे, अतः इसे विद्या का उपदेश कर दीजिए, किंतु वह उसे उपदेश भी किए बिना ही बाहर चला गया। उस आचार्य से उसकी भार्या ने कहा, इस ब्रह्मचारी ने खूब तपस्या की है, इसने अग्नियों की अच्छी तरह सेवा की है, किंतु श्रीमान तो अग्नियों में भक्ति रखने वाले इसका समावर्तन ही नहीं करते, अतः ये हमारे भक्त का समावर्तन नहीं करता, ऐसा जानकर अग्निया आपका परिवाद आपकी निंदा न करे, इसलिए इस उपकौशल को इसकी अभिष्ट विद्या का उपदेश कर दीजिए। किंतु स्त्री द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भी वह उससे कुछ कहे बिना ही बाहर चला गया। उस उपकौशल ने मानसिक खेद से अनशन करने का निश्चय किया। उससे आचार्य पत्नी ने कहा, अरे ब्रह्मचारिन तो भोजन कर क्यों नहीं भोजन करता। वह बोला, इस मनुष्य में बहुत सी कामनाएं रहती है जो वस्तु के स्वभाव का उल्लंघन करके अनेक विषयों की ओर जाने वाली है। मैं उन्हीं बहुमुखी मानसिक चिंताओं से परिपूर्ण हूँ, इसलिए भोजन नहीं करूँगा। उस उपकौशल ने व्याधि मानसिक दुख से अनशन करने का मन में निश्चय किया। तब अग्निशाला में चुपचाप बैठे हुए उससे आचार्य पत्नी ने कहा, हे ब्रह्मचारिन अनशन भोजन कर क्यों, किस कारण से भोजन नहीं करता। वह बोला, इस अकृतार्थ साधारण पुरुष में अपने कर्तव्य के प्रति बहुत सी कामनाएं इच्छाएं रहती हैं, जिस व्याधियों कर्तव्य संबंधी चिंताओं के अतिगमन वस्तु के स्वरूप का उल्लंघन करके विषय प्रवेश के मार्ग नाना है, ऐसी जो ज्ञानत्व कामना रूप व्याधिया यथार्थ कर्तव्यता प्राप्ति निमित्तक मानसिक दुख है, मैं उनसे परिपूर्ण हूँ, इसलिए भोजन नहीं करूँगा। ब्रह्मचारी के इस प्रकार कहकर चुप हो जाने पर फिर अग्नियों ने एकत्र होकर कहा, यह ब्रह्मचारी तपस्या कर चुका है, इसने हमारी अच्छी तरह सेवा की है, अच्छा हम उसे उपदेश करें, ऐसा निश्चय कर। वे उससे बोले, प्राण ब्रह्म है, क ब्रह्म है, ख ब्रह्म है। फिर उसकी सेवा से अनुकूल हुई तीनों अग्नियों ने करुणावश आपस में मिलकर कहा, अच्छा अब अपने भक्त इस दुखित तपस्वी एवं श्रद्धालु ब्रह्मचारी को हम शिक्षा दे, उसे हम ब्रह्म विद्या का उपदेश करें, ऐसा निश्चय कर। वे उससे बोले, प्राण ब्रह्म है, क ब्रह्म है, ख ब्रह्म है। वह बोला, ये तो मैं जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है, किंतु क और ख को नहीं जानता। तब वे बोले, निश्चय जो क है वही ख है और जो ख है वही क है। इस प्रकार उन्होंने उसे प्राण और उसके आश्रयभूत आकाश का उपदेश किया। वह ब्रह्मचारी बोला, आपने जो कहा कि प्राण ब्रह्म है सो प्रसिद्ध पदार्थ वाला होने के कारण ये तो मैं जानता हूँ, उसके रहने पर जीवन रहता है और जिसके चले जाने पर जीवन भी नहीं रहता। लोक में वह वायु विशेष में ही प्राण शब्द रूढ़ है।
अतः उसका ब्रह्म रूप होना तो उचित ही है, अतः प्रसिद्ध पदार्थ युक्त होने के कारण वह तो मैं जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है, किंतु क और ख को मैं नहीं जानता। संख्या सुख और आकाश विषय विषयक होने के कारण क और ख शब्द भी तो प्रसिद्ध पदार्थ वाले ही हैं, फिर ब्रह्मचारी को उनका अज्ञान कैसे रहा? समाधान, निश्चय ब्रह्मचारी यही मानता है कि क शब्द का वाच्य सुख क्षण प्रत्वंसी होने के कारण और ख शब्द का वाच्य आकाश अचेतन होने से किस प्रकार ब्रह्म हो सकता है? और आपका वचन भी कैसे अप्रमाणित होगा? इससे उसने कहा कि मैं नहीं जानता। इस प्रकार कहते हुए उस ब्रह्मचारी से अग्नियों ने कहा, हम जिसे ऐसा कहकर पुकारते हैं वही ख यानी आकाश है। इस प्रकार जैसे नील इस विषय से युक्त कमल रक्त कमल आदि से विलग कर दिया जाता है, उसी प्रकार ख शब्द से विशेषित क विषयक और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख से निवृत्त कर दिया जाता है, जिसे हम ख आकाश कहते हैं, उसी को तू क सुख जान। इस प्रकार नीलोत्पत्ति के समान ही सुख से विशेषित किया हुआ ख मतलब आकाश भौतिक अचेतन ख से निवृत्त कर दिया जाता है। तात्पर्य है कि आकाश स्थित सुख ब्रह्म है, अन्य लौकिक सुख नहीं, तथा सुख के आश्रित रहने वाला आकाश ब्रह्म है, अन्य भौतिक आकाश नहीं। शंका, यदि यह आकाश को सुख के द्वारा विशेषित करना इष्ट है तो कोई भी एक विशेषण रह सकता था, यथार्थ ऐसा एक विशेषण रह जाता। दूसरा, यदेव ख खम तमे कम ये विशेषण अधिक है, अथवा यदि यदेव कम तदेव खम ये रहे तो पहला विशेषण अधिक है। समाधान, किंतु इन इन सुख और आकाश दोनों ही की लौकिक सुख और आकाश से व्यावृत्ति अभिष्ट है, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। यदि कहो कि सुख के द्वारा आकाश के विशेषित होने पर दोनों की व्यावृत्ति स्वतः सिद्ध ही है तो ये ठीक नहीं। ये ठीक है, किंतु इससे सुख से विशेषित आकाश का ही ध्येयत्व विहित होगा। आकाश गुण से युक्त विशेषण रूभूत सुख का ध्येयत्व विहित नहीं होगा, क्योंकि विशेषण का ग्रहण अपने विशिष्ट का निमंत्रण करके ही समाप्त हो जाता है। इसलिए सुख का भी ध्येयत्व प्रतिपादन करने के लिए आकाश से सुख को भी विशेषित किया गया है। शंका, किंतु ऐसा किस प्रकार निश्चय किया जाता है? समाधान, ब्रह्म शब्द से क शब्द का भी संबंध होने के कारण क ब्रह्म है ऐसा निश्चय होता है। यदि सुख गुण विशिष्ट आकाश का ही ध्येयत्व बतलाना इष्ट होता तो अग्निगण पहले क ख ब्रह्म सुख स्वरूप आकाश ब्रह्म है ऐसा कहते, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं कहा तो क्या कहा है? क ब्रह्म है ख ब्रह्म है ऐसा कहा है, अतः ब्रह्मचार्य के मोह की निवृत्ति के लिए यदाव क्रम इत्यादि रूप से क और ख दोनों ही शब्दों को एक दूसरे के विशेषण विशेष रूप से बतलाना उचित ही है। अग्नियों के कहे हुए इस वाक्य के अर्थ को श्रुति हमारे बोध के लिए कहती है। अग्नियों ने उस ब्रह्मचारी को प्राणवर तदाकाश उसके आकाश का यथार्थ आश्रय रूप से प्राण से संबंध हृदयाकाश का उपदेश किया तथा सुख गुण विशिष्टता बताने के कारण उस आकाश को सुख गुण विशिष्ट ब्रह्म और उसमें स्थित प्राण को ब्रह्म के संपर्क के कारण ही ब्रह्म बतलाया। इस प्रकार प्राण और आकाश इन दोनों का समुचित कर अग्नियों ने दो ब्रह्म बताए। इति छंदोपनिषद चतुर्थाध्याय दशम खंड वाच्यम संपूर्णम। एकादश खंड गहपत्याग्नि विद्या। इस प्रकार सब अग्नियों से मिलकर ब्रह्मचारी को ब्रह्म का उपदेश किया। फिर उसे गहपत्याग्नि ने शिक्षा दी, पृथ्वी अग्नि अन्न और आदित्य ये मेरे चार शरीर है। आदित्य के अंतर्गत जो ये पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ, वही मैं हूँ। फिर उनमें से प्रत्येक ने अपने अपने से संबंध विद्या का निरूपण करना आरम्भ किया। उनमें सबसे पहले उस ब्रह्मचारी को गहपत्य अग्नियों ने दीक्षा दी, पृथ्वी अग्नि अन्न और आदित्य मेरे चार शरीर है।
उनमें आदित्य में जो ये पुरुष दिखाई देता है वह मैं गहपत्याग्नि हूँ, और ये जो गहपत्याग्नि है वह मैं आदित्य में पुरुष हूँ, वही मैं हूँ। ये वाक्य पूर्व वाक्य की पुनरावृत्ति करने के करके कहा गया है। पूज्यत्व ही जिसका लक्षण है उन पृथ्वी और अन्न के समान गहपत्याग्नि और आदित्य का संबंध नहीं है। इन दोनों में भोक्तत्व पाचत्व और प्रकाशत्व ये धर्म समान रूप से है, अतः इन दोनों का अत्यंत अभेद है। पृथ्वी और अन्न का तो इससे भोज्य रूप से संबंध है। वह पुरुष जो इसे इस प्रकार जानकर उसकी उपासना करता है पाप कर्म को नष्ट कर देता है, अग्निलोकवान होता है, पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है तथा इसके उत्तरवर्ती संतान परंपरा में उत्पन्न पुरुष क्षीण नहीं होते तथा उसका हम इस लोक और परलोक में भी पालन करते हैं। जो कि इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है उसको पूर्वोक्त फल की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जो कोई की इस प्रकार भोज्य भोग्य और भोक्ता रूप से चार प्रकार में विभक्त हुए पूर्वोक्त गहपत्याग्नि की उपासना करता है वह पाप कर्म का नाश कर देता है तथा हमारे अग्रेय लोक के द्वारा उसी प्रकार लोकी लोकवान होता है जैसे कि हम हैं। इस लोक में भी वह संपूर्ण 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है जो उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है अर्थात प्रसिद्धि होकर नहीं जीता तथा उसके अवर पुरुष जो अवर पश्चादवर्ती यानी संतति में उत्पन्न हुए पुरुष है वे क्षीण नहीं होते अर्थात इसकी संतति का उच्छेदन नहीं होता। यही नहीं इस लोक में जीवित रहते हुए तथा परलोक में भी हम उसका पालन करते हैं। तात्पर्य है कि जो विद्वान इस प्रकार इसकी उपासना करता है उसे पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है। इति छांदोपनिषद चतुर्थाध्याय 10 11 खंडवाच्यम संपूर्णम। द्वादश खंड अन्वाहर्य चाग्नि विद्या। फिर उसे अन्वाहर्य वचन दक्षिणाग्नि ने दीक्षा दी। जल दीक्षा जल दशा जल दिशा नक्षत्र और चंद्रमा ये मेरे 4 शरीर है। चंद्रमा में जो ये पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ, वही मैं हूँ। वह पुरुष जो इस प्रकार जानकर इस 4 भागों में विभक्त अग्नि की उपासना करता है पाप कर्मों का नाश कर देता है, लोकवान होता है, पूर्ण आयु को प्राप्त होता है और उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, उसके पीछे होने वाले पुरुष मतलब वंशज क्षीण नहीं होते तथा इस लोक और परलोक में भी हम उसका पालन करते हैं जो कि इस प्रकार जानकर उसकी उपासना करता है। फिर उसे अन्वाहन वचन दक्षिणाग्नि ने दीक्षा दी। जल दिशा नक्षत्र और चंद्रमा ये मेरे 4 शरीर है। मैं अपने को 4 प्रकार से विभक्त करके अन्वाहर्य चन रूप से स्थित हूँ। उनमें से चंद्रमा में जो ये पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ, वही मैं हूँ, ऐसा पूर्ववत समझना चाहिए। अन्न से संबंध होने के कारण ज्योतिष में समानता होने से तथा दक्षिण दिशा से संबंध होने के कारण अन्वाहर्य चन और चंद्रमा की एकता है। जल और नक्षत्रों का तो पूर्ववत अन्न रूप से ही संबंध है क्योंकि नक्षत्र चंद्रमा के भोग्य है, यह प्रसिद्ध है तथा अन्न के उत्पत्तिकर्ता होने के कारण जलों को भी इसी प्रकार दक्षिणाग्नि का अन्नत्व प्राप्त है जैसे पृथ्वी को गहपत्याग्नि का शेष अर्थ पूर्ववत है। छांदोपनिषद चतुर्थाध्याय 10 12 खंडवाच्यम संपूर्णम। अग्नि विद्या। तदनंतर उसे आवाने अग्नि ने उपदेश किया। प्राण आकाश दोलोक और विद्युत ये मेरे 4 शरीर है। ये जो विद्युत में पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ, वही मैं हूँ। वह पुरुष जो इस प्रकार जानकर इस चतुर्था विभक्ति अग्नि की उपासना करता है पाप कर्मों को नष्ट कर देता है, लोकवान होता है और पूर्ण आयु को प्राप्त होता है तथा उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, उसके पश्चात मतलब पुरुष वंशज क्षीण नहीं होते तथा उसका हम इस लोक और परलोक में भी पालन करते हैं जो कि इसे इस प्रकार जानकर उसकी उपासना करता है। तदनंतर उसे आवाहन अग्नि ने उपदेश किया। प्राण आकाश दोलोक और विद्युत ये मेरे ही 4 शरीर है। ये जो विद्युत में पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ इत्यादि अर्थ पहले के ही समान होने के कारण पूर्ववत है। दोलोक और आकाश के साथ विद्युत और आवानीय का भोग रूप से ही संबंध है क्योंकि ये क्रमशः उसके आश्रय है। शेष पूर्ववत
शेष अर्थ पूर्ववत है इति छांदोपनिषद चतुर्थ्याध्याय त्रयोदश खंड भाष्यम संपूर्णम। चतुर्दश खंड आचार्य का आगमन। उन्होंने कहा उपकोशल है सौम्य, ये अपनी विद्या और आत्मविद्या तेरे प्रति कही। आचार्य तुझे इसके फल की प्राप्ति का मार्ग बताएंगे। तदनंतर उसके आचार्य आए, उससे आचार्य ने कहा उपकोशल। तब उन्होंने पुनः एक साथ कहा उपकोशल है सौम्य, ये हमने तेरे प्रति अपनी विद्या यथार्थ अग्नि विद्या और आत्मविद्या तो जो पहले प्राणों ब्रह्म का कम ब्रह्म खम ब्रह्म इत्यादि रूप से कही गई है वह कह दी। अब इस विद्या के फल की प्राप्ति के लिए आचार्य तुझे मार्ग बतलाएंगे, ऐसा कहकर अग्निगण उपरीत हो गए। कालांतर में उसके आचार्य आए, तब आचार्य ने उस अपने शिष्य से कहा उपकोशल। आचार्य और उपकोशल का संवाद। उसने भगवान ने ऐसा उत्तर दिया, आचार्य बोले हे सौम्य, तेरा मुख ब्रह्मवेता के समान जान पड़ता है, तुझे किसने उपदेश किया है? अजी मुझे कौन उपदेश करता है? ऐसा कहकर वह मानो उसे छिपाने लगा। फिर अग्नियों की और संकेत करके बोला निश्चय इन्हें उपदेश किया है, जो अन्य प्रकार के थे और अब ऐसे है। ऐसा कहकर उसने अग्नियों को बतलाया। तब आचार्य ने पूछा है सौम्य, इन्होंने तुझे क्या बताया है? तब उसने ये बताया कि ऐसा कहकर उत्तर किया। इस आचार्य ने कहा हे सौम्य, उन्होंने तो तुझे केवल लोकों का ही उपदेश किया है, अब मैं तुझे वह बतलाता हूँ जिसे जानने वाले से पाप कर्म का उसी प्रकार संबंध नहीं होता जैसे कमल पत्र से जल का संबंध नहीं होता। वह बोला भगवान मुझे बतलावे। तब आचार्य उससे बोले उसने भगवान ऐसा उत्तर दिया। फिर आचार्य द्वारा हे सौम्य, तेरा मुख ब्रह्मवेता के समान प्रसन्न जान पड़ता है, सो तुझे किसने उपदेश किया है? ऐसा कहे जाने पर बोला भगवान आपके बाहर चले जाने पर भला मुझे कौन उपदेश करता? इस प्रकार मानो वह अग्नि के कथन का गोपन सा करने लगा। इसमें तात्पर्य है कि अग्नि के कथन को न तो ज्यों का त्यों बतलाता है और न उसे सर्वथा छिपाता है। कैसे देखे मेरे द्वारा परिचर्या किए हुए उन इस अग्नियों ने ही मुझे उपदेश किया है, क्योंकि अब आपको देखकर ये सब इस प्रकार कांपते हुए से दिखाई देते हैं, जबकि पहले ये अन्य प्रकार के थे। इस प्रकार का काकु वचन के द्वारा उसने अग्नियों को बतलाया। फिर हे सौम्य, अग्नियों ने तुझे क्या वो बतलाया है? इस प्रकार पूछे जाने पर कही यही कहा है, ऐसा कहा यथार्थ कुछ प्रतीक मात्र ही बतलाया, अग्नियों का कहा हुआ सारा उपदेश यथावत नहीं कहा। अतः आचार्य ने कहा हे सौम्य, अग्नियों ने तुझे पृथ्वी आदि लोक ही बताए हैं, ब्रह्म का पूर्णतः उपदेश नहीं किया, अब मैं तुझे उस ब्रह्म का उपदेश करूँगा जिसे कि तू सुनना चाहता है। मेरे द्वारा कहे जाते हुए इस ब्रह्म के ज्ञान का महात्म्य सुन। जिस प्रकार पुष्कर पलाश कमल पत्र में जल सिलेष्ट संबंध नहीं होता, उसी प्रकार जैसे ब्रह्म का मैं उपदेश करूँगा उसे जानने वाले में पाप कर्म का संबंध नहीं होता। आचार्य के द्वारा इस प्रकार कहने पर उपकोशल ने कहा भगवान मुझे बतलावे। तब आचार्य उससे बोले इति छंद उपनिषद चतुर्थ अध्याय चतुर्दश खंड भाष्यम संपूर्णम। पंचदश खंड आचार्य का उपदेश। नेत्र स्थित पुरुष की उपासना। ये जो नेत्र में पुरुष दिखाई देता है वह आत्मा है, ऐसा उसने कहा। ये अमृत है, अभय है और ब्रह्म है। उस पुरुष के स्थान रूप नेत्र में यदि द्रुत या जल डाले तो वह पलकों में ही चला जाता है। जिसका बाह्य इंद्रिय ग्राम निवृत्त हो गया है वह ब्रह्मचर्य आदि साधन संपन्न शांतात्मा विवेकियों द्वारा जो ये नेत्र के अंतर्गत दृष्टि का दृष्टा पुरुष देखा जाता है, जैसा कि वह चक्षुओं का चक्षु है ऐसी अन्य स्तुति से प्रमाणित होता है, वह प्राणियों का आत्मा है, ऐसा आचार्य ने कहा। शंका। आचार्य के इस कथन से अग्नियों का कथन मिथ्या प्रमाणित होता है, क्योंकि उन्होंने तो आचार्य स्तुते गति गतिम वक्ता ऐसा कहकर केवल गति मात्र कहलावेंगे इतना ही कहा था, तथा उससे अग्नियों का भविष्य विषय संबंधी ज्ञान न होना सिद्ध होता है। संबंध समाधान ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि ऐसा कहकर आचार्य ने अग्नियों के बतलाए हुए सुखा
काष्ठ रूप सुखाकाश रूप दृष्टा का ही जो नेत्रों में दिखाई देता है इस प्रकार अनुवादन किया है। ये प्राणियों का आत्मा है इति होवाचम, इस प्रकार कहा। जिस आत्मतत्व का वर्णन हम पहले कर चुके हैं वही ये अमृत अमरण धर्म यानी अविनाशी है। इससे अभय भी है क्योंकि जिसके नाश की शंका होती है उसी को भय हो सकता है, अतः उसका अभाव होने के कारण ये अभय है। इससे ये ब्रह्म बृहत यानी अनंत है तथा इस ब्रह्म नेत्रस्थ पुरुष का ऐसा महात्म्य है कि इस पुरुष के स्थानभूत नेत्र में यदि द्रुत या जल डाला जाए तो वह इधर उधर पलकों में ही चला जाता है। पद्मपत्र से जल के समान नेत्र से उसका संबंध नहीं होता, जबकि स्थान का भी ऐसा महात्म्य है तो स्थानीय नेत्रस्थ पुरुष की निसंगता के विषय में तो कहना ही क्या, ये इसका अभिप्राय है। इसे संयम द्वाव ऐसा कहते हैं क्योंकि संपूर्ण सेवनीय वस्तु सब ओर से इसे ही प्राप्त होती है। जो इस प्रकार जानता है उसे संपूर्ण सेवनीय वस्तुएं एवं सब ओर से प्राप्त होती है। इस पूर्वोक्त पुरुष को संयम द्वार ऐसा कहते हैं क्यों, क्योंकि संपूर्ण वाम वननीय संभजनीय यथार्थ शोभन पदार्थ सब ओर से इसे ही प्राप्त होते हैं, इसलिए यह संयम द्वार है। इसी प्रकार ऐसा जानने वाले पुरुष को जो इसे ऐसा जानता है उसे संपूर्ण सेवनीय पदार्थ सब ओर से प्राप्त होते हैं, यही वामिनी है क्योंकि यही संपूर्ण वामों का वहन करता है। जो ऐसा जानता है वह संपूर्ण वामों को वहन करता है, वह यही वामिनी है क्योंकि यही अपने धर्म रूप से प्राणियों के प्रति उसके पुण्यानुसार संपूर्ण वाम पुण्य कर्म फलों का वहन करता है। इसके विद्वान को मिलने वाला फल जो ऐसा जानता है वह संपूर्ण वामों का पुण्य कर्म फलों का वहन करता है, यही वामिनी है क्योंकि यही संपूर्ण लोकों में भासमान होता है। जो ऐसा जानता है वह संपूर्ण लोकों में भासमान होता है, यही वामिनी है क्योंकि संपूर्ण लोकों में आदित्य चंद्र और अग्नि आदि के रूपों में यही भासमान दीप्त होता है। इसके प्रकाश से ही सब प्रकाशित होते हैं, स्तुति से यही सिद्ध होता है, अतः भावों प्रकाशों का वहन करता है, इसलिए वामिनी है। जो ऐसा जानता है वह भी संपूर्ण लोक में भासमान होता है। ब्रह्मवेता की गति, अब श्रुति पूर्वोक्त ब्रह्मवेता की गति बतलाती है। इसके लिए स्वकर्म करके अथवा न करे अथवा न करे ये वह अचरणीय अर्चिर अभिमानी देवताओं को ही प्राप्त होता है। फिर अर्चिर अभिमानी देवता से दिवसाभिमानी देवता को, दिवसाभिमानी से शुक्ल पक्षलाभिमानी को देवताओं और शुक्ल पक्षाभिमानी देवताओं से उत्तरायण के 6 मासों को प्राप्त होता है। मासों से संवत्सरों को, संवत्सरों से आदित्य को, आदित्य से चंद्रमा को और चंद्रमा से दुर्लोक को विद्युत को प्राप्त होता है। वहाँ से अमान पुरुष उन्हें ब्रह्म को प्राप्त करा देता है। वह ये देव मार्ग ब्रह्म मार्ग है, इससे जाने वाले पुरुष इस मानव मंडल में नहीं लौटते। अब उपयुक्त ब्रह्मवेता की गति बतलाई जाती है। इस प्रकार जाने वाले इस उपासक के लिए उसके मृत्यु होने पर ऋत्विक गण स्वकर्म करे अथवा न करे, उस स्वकर्म के न करने से भी इस प्रकार जानने वाला ये उपासक सर्वथा प्रतिबंध होकर ब्रह्म को प्राप्त न होता हो ऐसा नहीं होता और न उस स्वकर्म के करने से इसे कोई ब्रह्म से उत्कृष्ट लोक की प्राप्ति होता है। जैसा कि ये कर्म से न तो बढ़ता है और न घटता ही है, इस एक अन्य श्रुति से प्रमाणित होता है। स्वकर्म के प्रति अनादर प्रदर्शित करता हुआ ये मंत्र केवल विद्या की स्तुति करता है। इस प्रकार जानने वाला स्वकर्म नहीं करना चाहिए ये नहीं बतलाया। इस विद्वान के सिवा अन्य किसी के लिए तो स्वकर्म न करने पर उसके कर्मफल के आरंभ में कुछ प्रतिबंध होने का अनुमान किया जाता है, क्योंकि यहाँ श्रुति उपासना का फल आरंभ होने के समय केवल उपासक के लिए ही है। उसका स्वकर्म किया जाए अथवा न किया जाए अप्रतिबंध पूर्वक कर्म का आरंभ दिखलाती है। जो लोग नेत्र में स्थित
स्वयं द्वारा वामिनी और भामिनी इत्यादि गुणों से युक्त सुखाकाश की उपासना करता है तथा प्राण सहित अग्नि विद्या की उपासना करता है, उसका अन्य कर्मों को हो अथवा न हो वे सर्वथा अभी अर्ची अभिमानी देवता को ही प्राप्त होते हैं, ऐसा इसका तात्पर्य है। अर्ची है मतलब अर्ची अभिमानी देवता से अहम, अहर अभिमानी दिवसा अभिमानी देवता को, अहर अभिमानी देवता से आयु पूर्णमास पक्ष, आयु पूर्णमान पक्ष शुक्ल पक्ष देवता को, शुक्ल पक्ष से उड़ू षडू दल जिन 6 महीनों में सूर्य उत्तर दिशा में चला जाता चलता है उस महीनों को यथार्थ उत्तरायण देवता को, उन उत्तरायण के 6 महीनों से संवत्सर संवत्सराभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं, फिर संवत्सर से आदित्य को, आदित्य से चंद्रमा को और चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होते हैं, वहाँ स्थित हुए उन उपासकों को कोई मानव जो मानवी सृष्टि में होता है उसे मानव कहते हैं, जो मानव न हो उसी का नाम अमानव है, ऐसा कोई अमानव पुरुष ब्रह्मलोक से आकर सत्यलोक में स्थित ब्रह्म के पास पहुंचा देता है। गमन करने वाले गंतव्य स्थान और गमन करने वाले का उल्लेख होने के कारण यहाँ कार्य ब्रह्म ही अभिप्रेरित है, क्योंकि सत्ता मात्र ब्रह्म की प्राप्ति में कुछ ये कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ तो यही कहना न्यायित है कि वह ब्रह्मरूप हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। आगे 6 अध्याय में श्रुति संपूर्ण भेद के बाद द्वारा सन्मात्र सन्मात्र ब्रह्म की प्राप्ति का उल्लेख करेगी तथा बिना देखा हुआ एकत्व रूप मार्ग तो मोक्ष में उपयोगी ही नहीं हो सकता, जैसा कि वह परमात्मा विदित न होने पर इस अधिकारी का मुक्ति प्रदान करके पालन नहीं करता, इस अन्य श्रुति से प्रमाणित होता है। ये देवमार्ग है उपासक को पहुँचाने के लिए अभी अधिकार प्राप्त देवताओं से उपलक्षित होने के कारण यह मार्ग देवमार्ग कहलाता है तथा ब्रह्म गंतव्य मतलब प्राप्तव्य स्थान है उससे उपलक्षित होता है, इसलिए वह ब्रह्म मार्ग है, उसके द्वारा ब्रह्म को प्राप्त हुए यथार्थ जानने वाले उपासक ये मानव मनु संबंधी यथार्थ मनु की सृष्टि रूप आवर्त में नहीं लौटते, जिसमें जन्म मरण के प्रवाह रूप चक्र पर चढ़े हुए प्राणी घंटी यंत्र के समान पुनः पुनः आवर्तन करते हैं, उसी श्लोक को आवर्त कहते हैं, इसे वे प्राप्त नहीं होते, नावर्तते नावर्तते, ये दिव्यरक्त फल के सहित विद्या की परिसमाप्ति से प्रदर्शित करने के लिए है। इति छांदोपनिषद 4th अध्याय 5th पंचदश खंड भाष्यम संपूर्णम्।